Now we will start the today's session. In previous session, we have discussed some terminology about electronic devices. सिंपल आपको नोट्स भी मिल चुके होंगे सब. थोड़ा मैं डेस्कटॉप अरेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट, फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, ये हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी. थर्मल वोल्टेज वी टी इक्वल टू के टी बाई क्यू, सबको नोट्स मिल चुके हैं ये. व्हेन वी टी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, जनरली हम क्या डिनोट कर देते हैं, जनरली हम डिनोट करते हैं यहाँ पर वी टी इक्वल टू टी 11600, बेसिकली टी इन केल्विन. टी हमेशा क्या रखते हैं, केल्विन में. नेक्स्ट अगर हम स्विच करेंगे, नेक्स्ट हमने क्या डेफिनेशन क्लियर की थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल इज डिफाइंड एज द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. ये हमने सब कुछ डेफिनेशंस क्लियर की थी. नेक्स्ट हमने क्या स्विच किया था, नेक्स्ट एक बार फास्ट रिव्यू कर लेते हैं एक बार. हमने प्रूव किया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल. क्लियर. फिर हमने एनर्जी गैप के बारे में डिस्कशन किया था. एनर्जी गैप क्या होता है, बेसिकली कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम एनर्जी गैप. ये टोटली डिपेंड क्या करता है आपके पास, टोटली डिपेंड करता है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर के डिपेंडेंसी की हमने इक्वेशन ये डिनोट की थी, वेयर बीटा नॉट इज अ मटेरियल कॉन्स्टेंट और ये ईजी नॉट क्या है, एनर्जी गैप एट 0 डिग्री केल्विन. जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये एनर्जी गैप क्या होगा, रिड्यूस. क्लियर था. नेक्स्ट हमने पॉइंट आउट किया था एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इन केस ऑफ, कर लेते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम इन केस ऑफ मेटल सेमीकंडक्टर. ये सब क्लियर था, सबको पढ़ भी सकते हैं आप नोट से. ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी बैंड का स्मॉल स्मॉल होना चाहिए आपका, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.3, अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होना चाहिए. ठीक है, सब चीज़ हम पढ़ चुके थे, सारी टर्मिनोलॉजी. उसके बाद फिर हमने करंट पढ़ा था, 3 टाइप्स ऑफ करंट, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट एंड लीकेज करंट. ठीक है, ड्रिफ्ट करंट क्या था, इफ इट इज फ्लो ऑफ करंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर कोई करंट फ्लो कर रही है तो हम उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट. डिफ्यूजन करंट करंट क्या था, करंट फ्लो ड्यू टू द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स सपोज एक साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा है और एक साइड कम है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे और चार्ज कैरियर्स मूव करने की वजह से जो करंट फ्लो होगी उसको बोलेंगे हम डिफ्यूजन करंट. नेक्स्ट हमने एक पॉइंट किया था मोबिलिटी. मोबिलिटी ये शो करा था कि जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं वो कितनी तेजी से मूव करते हैं, हाउ फास्ट द चार्ज विल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बेसिकली मोबिलिटी को हम डिनोटेड करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई फील्ड इंटेंसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय फील्ड इंटेंसिटी से आप इसकी यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. यूनिट क्या है कि जनरली मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. अगर सपोज आपको सेंटीमीटर, जैसे हम आप चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे थे, जैसे चार्ज कैरियर्स की अगर बात करते हैं हम, तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज कैरियर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो चार्ज कैरियर्स के केस में क्या है, यहाँ पर हमने
मोबिलिटी इन केस ऑफ जैसे अब हमारे पास क्या हो रहा है, दो सेमीकंडक्टर्स है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। चार्ज के रेस के इलेक्ट्रॉन के केस में इसकी मोबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 3800, एंड सिलिकॉन के रेस के इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, 1300, एंड मोबिलिटी इन केस ऑफ जर्मेनियम ऑफ होल्स 1800 एंड 500 इन केस ऑफ सिलिकॉन। तो ये अंडरस्टूड है कि मोबिलिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स बेसिकली वी कैन से दैट चार्ज कैरियर्स। नेक्स्ट हमने टेम्परेचर कॉफिशियंट की बात करी थी, टेम्परेचर कॉफिशियंट में क्या था आपके पास, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट, मैं पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट और नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट में क्या है, कोई भी पैरामीटर, एनी पैरामीटर इंक्रीजिंग विद द टेम्परेचर इज कॉल्ड अ पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट। और कोई भी पैरामीटर अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और कोई पैरामीटर डिक्रीज हो रहा था, उसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट। नेक्स्ट हमने स्विच किया रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टिविटी क्या शो करती है, बेसिकली रेजिस्टिविटी व्हेन वी राइट अ फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर आर इज अ रेजिस्टेंस, एल इज अ लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, देन रो इज अ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या, अप कैपेबिलिटी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो ये क्या हो गया, यहाँ जैसे हमने एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प से आपको क्लियर कल एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर हमने जब नोट किया था तो क्या था आपका, टेम्परेचर इंक्रीज किया था हमारे पास, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है एंड रेजिस्टेंस सॉरी डिक्रीज हो रहा है और रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। ये हमने कल एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से कि कैसे ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। बेसिकली जैसे हमने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कल क्लियर किया था, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था आपके पास, चार्ज कंसेंट्रेशन इंटू मोबिलिटी इंटू चार्ज, कैरियर कंसेंट्रेशन, कैरियर कंसेंट्रेशन बोल सकते हैं, कैरियर कंसेंट्रेशन कैरियर कंसंट्रेशन चार्ज एंड मोबिलिटी, इनको क्या इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम क्या कैलकुलेट हो क्या आएगा, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब मेटल के केस में क्या होगा, मेटल के केस में हमने कंडक्टिविटी अगर हम देख रहे हैं तो किसी को अगर साउंड में कोई इशू आ रहा है तो अपना माइक अनम्यूट करके आप एक बार पॉज करवा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपके नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है। ये मेटल के केस में आपके पास क्या है, आपके पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर जो हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो डिनोट किया वो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कैरियर कंसंट्रेशन एंड चार्ज इंटू मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन म्यू एन, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है इन केस ऑफ मेटल, कल हमने इलेबोरेट किया था। नेक्स्ट हम अगर स्विच करते हैं सेमीकंडक्टर के केस में, तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर के केस में आपके पास दोनों चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी एंड होल्स भी। कंडक्टिविटी का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, कंडक्टिविटी का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट वन इज फॉर इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड वन इज फॉर होल्स। चार्ज कैरियर्स, कैरियर कंसंट्रेशन चार्ज एंड मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल चार्ज एंड मोबिलिटी ऑफ द होल्स। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये कैसा हुआ, ऐसा कि रीजन क्यों हुआ, हमने जैसे मेटल के केस में देखा था, मेटल में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि जब हम कैरियर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, मोबिलिटी डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर, लेकिन हमारी जो कैरियर कंसंट्रेशन होती है वो क्या है, कांस्टेंट रहती है इन केस ऑफ मेटल, इस वजह से हमारी जो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर जब हम
कैरियर का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टिविटी तो इसी फॉर्मूले से डिक्रीज होती है, बट जो हमारा जो कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल होता है वो इंक्रीज होता है, और इस इंक्रीजिंग का इफेक्ट जो होता है ये मोर देन द मोबिलिटी इफेक्ट, दैट्स वाई कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी इंक्रीज। क्लियर था? ये सब हमने कल क्लास में पढ़ा था, हमने इलेबोरेट भी कर दिया जो हमने कल क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट हम और अभी पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम स्विच करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू आर बी रेगुलर, क्योंकि रिपीट आप बार बार नहीं हो पाएगा रिपीट क्लास में, तो आज हो गया है रिपीट, तो प्लीज़ बी रेगुलर। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज, व्हाट इज करंट डेंसिटी? इट इज द करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। जैसे सपोज कोई भी आपके पास मटेरियल है, ये मटेरियल है आपके पास और करंट आपके पास इसमें पास हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको नोन होगा। तो करंट डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल वी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द करंट। तो इट इज़ डिनोटेड बाई जे, दिस इज करंट डेंसिटी। अगर सपोज आपके पास करंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कंडक्टिव करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी का आपके पास यूनिट क्या हो जाएगी, आपके पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूनिट ऑफ करंट, एंड एरिया यूनिट इज मीटर स्क्वायर। देन अगर नेक्स्ट आपके पास एक और फॉर्मूला होता है आपके पास कैलकुलेट करने का, करंट डेंसिटी इज जे इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो अब कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल आपके लिए क्लियरली पढ़ चुके हो, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल आपने देख लिया है यहाँ पर कि कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इन केस ऑफ मेटल भी आपको पता है और इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर भी आपको पता है। एक बार थोड़ा और इलेबोरेट कर लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास फॉर्मूला क्या था करंट डेंसिटी का, जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो अगर मैं इन केस ऑफ मेटल देखता हूँ, इन केस ऑफ मेटल मैंने अगर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला देखा तो क्या आ गया करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, एन क्यू म्यू एन, बिकॉज कंडक्टिविटी इन केस ऑफ मेटल इज एन क्यू म्यू एन, तो सिग्मा इन टू ई। एन इज अ कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, कैरियर कंसनट्रेशन बोल सकते हैं, चार्ज एंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। अब इन केस ऑफ मेटल आपके पास एक ही चार्ज कैरियर्स है, तो इसलिए हमने म्यू एन कंसिडर किया है। अब हम सेमीकंडक्टर केस में अगर जाएंगे तो सिग्मा से हमने रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया, जे इक्वल टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी ई। दिस इज अ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सिमिलरली इसमें भी आप पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट को अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्विच करते हैं। आपके पास होता है इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन। इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन क्या होता है, ये आपके सपोज आपके पास सेमीकंडक्टर केस में आपने 12th में ही पढ़ा होगा, इसे जनरली हम डिनोट करते हैं एनआई, एनआई से। क्लियर है? क्लास चल रही, क्या हुआ, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है अभी, चौहान जी बोला। हाँ क्लास चल रही है अभी, है ना? हाँ क्लास। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जैसे क्या होता है, इट इज द कंसंट्रेशन अवेलेबल इन द प्योर सेमीकंडक्टर। आपने पढ़ा होगा ना प्योर सेमीकंडक्टर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो कैरियर कंसंट्रेशन होती है, कैरियर कंसंट्रेशन, उसको डिनोट करते हैं हम एनआई से, डिनोट करते हैं हम एन आई से। ठीक है, अब एन आई की वैल्यू, अब आपके पास सेमीकंडक्टर आपने पढ़े होंगे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन तो जर्मेनियम के केस में जो कैरियर कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है वो आती है आपकी 2.5 × 10^13 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट से आपको क्लियर होगा कि इतने वन क्यूबिक वॉल्यूम में आपके पास इतने एटम है, तो ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन।
सेमीकंडक्टर। सिमिलरली अगर सिलिकॉन के, प्योर सिलिकॉन की बात करते हैं हम, और ये टेम्परेचर क्या है आपके पास, 300 केल्विन। अगर प्योर सिलिकॉन की बात करते हैं तो हमारे पास उसमें एटम्स क्या होते हैं, 1.5 × 10⁻¹⁰ एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देख सकते हैं कि क्या होती है। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं मास एक्शन लॉ पर। मास एक्शन लॉ क्या डिनोट करता है? मास एक्शन लॉ इज, मास एक्शन लॉ इज मास एक्शन लॉ क्या होता है, जैसे सपोज हमने कोई भी कैरियर कंसंट्रेशन इन अ सेमीकंडक्टर अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम मींस क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है उस टाइम पर, थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड इज इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। बेसिकली क्या होगा, जैसे भी हम सपोज हम किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कभी इलेक्ट्रॉन्स मूव ज़्यादा होंगे, कभी होल्स ज़्यादा होंगे, ऐसा होता है ना, एन टाइप और पी टाइप के केस में, हम वो आगे देखेंगे। तो उनका जो प्रोडक्ट रहेगा, जो उनका प्रोडक्ट रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, और वो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसके इक्वल रहेगी एन आई के, एन आई स्क्वायर के इक्वल। क्लियर है? तो आपके पास मास एक्शन लॉ क्या होगा, ऑलवेज एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। इसका यूज, एन आई स्क्वायर इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हमेशा हम जनरली कैलकुलेट कर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। वो आपको जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तब हम इसका थोड़ा एलेबोरेट करेंगे इसको। और अभी आपको मास एक्शन लॉ क्लियर होना चाहिए। मास एक्शन लॉ इज इक्वल टू माई इज एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास आता है आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन क्या शो करता है, जैसे सपोज आपके पास कोई भी डिफ्यूजन कांस्टेंट अवेलेबल है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, जैसे भी मान लीजिए डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको डिफ्यूजन टर्म के बारे में क्लियर किया था। डिफ्यूजन क्या होता है कि कहीं पर भी कंसनट्रेशन, सपोज किसी पॉइंट पर हमारे पास कंसनट्रेशन ज़्यादा है और किसी पॉइंट पर कंसनट्रेशन कम, तो यहाँ से क्या होगा, कोई भी चार्ज कैरियर्स कहाँ से मूव करेगा आपके पास, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो यहाँ पर एक कोफिशियंट अवेलेबल होगा, उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो जनरली हम, जैसे सपोज यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सपोज इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ कंसंट्रेशन कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इस उस कोफिशियंट को बोलेंगे हम डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन। जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, डीएन से। और नेक्स्ट हम अगर सपोज होल के केस में बात करते हैं, वो क्या होगा, डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट फॉर होल्स। तो जनरली आइंस्टीन इक्वेशन क्या डिनोट करती है कि डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन और डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल, सॉरी, रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड मोबिलिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज dn by mu n equal to vt, and in case of hole is dp by mu p equal to vt। क्लियर है? यहाँ पर आपको पास डिफ्यूजन को, अब आइंस्टीन इक्वेशन क्या बता रही है, बेसिकली आइंस्टीन इक्वेशन यहाँ पे नोट्स में लिखा भी है कि आइंस्टीन इक्वेशन गिव्स द रिलेशन शिप बिटवीन डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट मोबिलिटी एंड थर्मल वोल्टेज। डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट मोबिलिटी एंड थर्मल वोल्टेज, ये आपको आइंस्टीन इक्वेशन क्या देती है आपके पास, इनका रिलेशन, इनको आपस में रिलेशनशिप क्लियर करती है। नेक्स्ट हम स्विच होते हैं आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, प्योर सेमीकंडक्टर। बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मीन्स क्या है, आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर, आपके पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, आपके पास एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। क्लियर है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको सपोज आपके पास सिलिकॉन है या आपके पास जर्मेनियम है, ठीक है, तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14, एंड जर्मेनियम इज एटॉमिक नंबर इज 32।
अगर आप नोटिस करेंगे तो लास्ट वाले क्या कहते हैं, लास्ट वाले जो शेल में जो आपके पास होते हैं 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए हमने एक एक एटम को +4 +4 +4 करके डिनोट किया है। तो ये आपस में जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो फाइनली क्या होता है आपके पास कोई भी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आपके पास यहाँ पर कंसनट्रेशन कुछ भी आपके पास क्या होगा कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा एट द पॉइंट ऑफ 0 डिग्री केल्विन। तो इसलिए हम यहाँ डिनोट करते हैं कि वर्क लाइक परफेक्ट इंसुलेटर एट 0 केल्विन, क्योंकि ये जो सारे बॉन्डिंग है ये कोवलेंट बॉन्ड से ब्रेक है, ये कोवलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे को क्या करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, या तो किसी भी हेल्प से हम कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो यहाँ चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आ जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे जिससे आपका करंट फ्लो करेगा। तो इसलिए हमने पॉइंट लिखा है वर्क लाइक परफेक्ट इंसुलेटर एट 0 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये भी पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि सेमीकंडक्टर एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हाँ, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ होल्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोवलेंट बॉन्डिंग से ब्रेक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो होल्स क्या होता है, होल्स इज नथिंग बट होल्स इज डिफाइंड एज द डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, होल्स इज एन डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सपोज होल्स और करंट, हम होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की तरफ अगर नोटिस करें तो होल्स का मूवमेंट क्या है, सपोज हमारे पास होल जो है अगर राइट डायरेक्शन में, ये हमने नोट किया कि यहाँ इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से जो भी करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी अपोजिट। तो ये आपने पढ़ा भी होगा कि करंट 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 डायरेक्शन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपने होल्स के केस में क्या होगा, लेकिन होल्स के केस में जिस डायरेक्शन में आपके पास होल मूव कर रहे होंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा आपके पास करंट की डायरेक्शन, करंट ड्यू टू द होल्स। ये रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली अगर हम कैलकुलेट, ये अगर हमारे पास ये हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन, तो ये जो करंट है आपके पास ये करंट ड्यू टू द होल्स मूवमेंट एंड करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट। तो ओवरऑल अगर करंट को देखूंगा तो मैं दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में ही है, लेफ्ट साइड डायरेक्शन है, तो आपके पास करंट को दोनों को ओवरऑल करंट हम सम कर सकते हैं, आई इक्वल टू आई एन प्लस आई पी, इट इज़ द टोटल करंट। नेक्स्ट हम स्विच होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। ये नोटिस कर ही लिया आपने कि जो आपके डिसएडवांटेज क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, कंडक्टिविटी क्या होती है बहुत ही स्मॉल होती है क्योंकि आपके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। नेक्स्ट आप स्विच करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, आपके डोपिंग लेवल, जैसे ही हम सपोज डोपिंग इंक्रीज कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, डोपिंग मीन्स इम्प्योरिटी ऐड करना, डॉपिंग मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटी टू प्योर सेमी कंडक्टर, प्योर सेमी कंडक्टर मीन्स इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। तो जैसे ही हम इसमें डॉपिंग एड इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, तो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा आपका एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। अब एक वो है कि डॉपिंग इंक्रीजेज कैरियर कंसनट्रेशन, देयर फॉर आप ये नोटिस अभी देखेंगे डायग्राम नीचे हम जब डिस्कस करेंगे कि डोपिंग क्या करती है, कैरियर कंसंट्रेशन बेसिकली जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जैसा कि हमने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ाया था NqμN। डोपिंग की हेल्प से क्या हो गया, एन की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाँ
अब इम्प्योरिटी क्या टाइप की हो सकती है, आपने नोट पढ़ा भी होगा पहले कि आपके पास दो टाइप की इम्प्योरिटी है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम अब सपोज हम हमने एक क्राइटेरिया होता है, जनरली बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, गेट लेवल पे भी पूछा जाता है, एक नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से अगर सपोज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको ड्रॉ करना है, बनाना है, तो क्या करेंगे, आपको मिनिमम डॉपिंग की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, 1:10^8 रेशियो की। मीन्स कि अगर आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एटम 10^8 एटम की रेस्पेक्ट में आपको एक इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ेगा, तब आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट होगा। सपोज इससे अगर ग्रेटर देन इम्प्योरिटी है, ग्रेटर देन इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज आपको बोलते हैं कि हमने इम्प्योरिटी तो ऐड करी है लेकिन रेशियो क्या है उसका, 1:10^10, तो हमने 10^10 एटम में एक इम्प्योरिटी ऐड करी है, तो क्या होगा, वो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, 1:10^8। ठीक है, तो इसी ये आपसे जनरली पूछ लेते हैं कि मतलब रेशियो क्या रहता है जिससे आप इंट्रिंसिक टू एक्सट्रिंसिक स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, अगर हम किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर। और उसमें जैसे सपोज हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मीन्स कि आपने क्या कहते हैं, एक यहाँ पर पांच जो उसके लास्ट एटम लास्ट सेल में पांच फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार तो आपके कोवलेंट बॉन्डिंग में मर्ज हो गए और एक आपका क्या रह गया यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करेगा, तो फ्री यहाँ पर क्या मेजोरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आपने कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज कर दिया, इसलिए यहाँ पर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, आपके होल्स। तो यहाँ पर एक डोनर लेवल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर एक डोनर लेवल क्रिएट हो जाएगा, डोनर लेवल इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। तो जैसे ही सपोज हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ के फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाने के बाद क्या होगा, आपका करंट फ्लो करने लगेगा, तो हमें स्मॉल टेम्परेचर ही इंक्रीज करना पड़ेगा इन केस ऑफ एन टाइप। सिमिलर अगर हम बात करते हैं तो इसके आपने नोटिस किया कि जब एन टाइप हम सेमीकंडक्टर ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है आपके पास, डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, और इस डोनर एनर्जी लेवल से क्या होंगे आपके पास, फ्री फ्री चार्ज कैरियर्स। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, इसमें ये लिखा भी होगा कि जब हम 0 डिग्री केल्विन, हाँ ये लिखा है पॉइंट, या आप एक बार ध्यान दे लें इस पॉइंट पर, एट 0 डिग्री केल्विन द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज एटम विल बी इन द डोनर एनर्जी लेवल। कहाँ पर रहेगा फिर फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इस पॉइंट पर रहेगा डोनर एनर्जी लेवल। तो इस पॉइंट पर क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कंडक्शन बैंड में नहीं है और कोई भी होल्स यहाँ पर वैलेंस बैंड में नहीं है, तो इन दोनों की वजह से कोई भी आपके पास करंट फ्लो नहीं होगी, और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो एक्ट कैसे करेगा, एक्ट एज एन परफेक्ट इंसुलेटर, कोई भी कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये मैं बुक आपको शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ
बॉयसेड मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, कोई भी आपको डाउट आता है तो आप इसके इंडेक्स में जाके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप क्या ऐड करते हो, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी अगर इंटरेस्टिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गई, तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास होल्स क्रिएट हो गए, तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर इसको बोलते हैं एसेप्टर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे आप नोट भी कर लेना, एसेप्टर एनर्जी लेवल, ई को बोलते हैं हम ई ए को एसेप्टर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर जैसे ही सपोज अब सिमिलरली इस केस में अगर देखेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर हमारे पास फ्री होल्स हैं यहाँ पर अवेलेबल, तो जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे आपके पास ऊपर मूव करेंगे, तो यहाँ पर फिर से रिकॉम्बिनेशन होकर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक होल्स क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो इसके इसलिए आपका पी टाइप में जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं आपके होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक टाइम ऐसा होगा कि एनर्जी लेवल पर जितने भी आपके पास होल्स हैं वैकेंसीज हैं वो सब कोवलेंट बॉन्ड से ब्रेक हो जाएंगे और एक्स्ट्रा फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, लेकिन आपके पास होल्स क्या रहेंगे मैक्सिमम रहेंगे, क्योंकि होल्स कुछ होल्स क्रिएट इस इन वैकेंसीज को फिल करने में क्रिएट हुए थे, तो फाइनली आपके पास ओवरऑल मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या रहेंगे यहाँ पर होल्स पी, तो इसलिए हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या कहते हैं कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं आपके पास होल्स, और इस लेवल को क्या बोलते हैं आपके ईए को एसेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये थोड़ा अगर आपको क्लियर है सारी चीज़ें तो आपको न्यूमेरिकल और फॉर्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हमने मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स देख लिया कि होल्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑफ टूडेज लास्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये रिप्रेजेंट करता है इट इज़ द बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज, बेसिकली कि जितना आपके पास ये मान के चलिए जितना आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपको शो करता है, ये इक्वेशन देता है ऑलवेज एन डी एन डी प्लस पी इक्वल टू एन ए प्लस एन। अब ये एन डी और एन ए क्या है ये हम ऊपर अभी बता देते हैं दोबारा एक बार कि एन डी और एन ए क्या है, यहाँ पर एन डी इज़ अ डोनर कंसनट्रेशन, डोनर एनर्जी लेवल कंसनट्रेशन, जैसे यहाँ पर जो कंसनट्रेशन होगी ई डी पर जो भी कंसनट्रेशन होगी उसको बोलते हैं हम एन डी, क्या डिनोट करेंगे एन डी। ठीक है, क्योंकि हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड करे हैं तो यहाँ पर एक कोई कंसनट्रेशन होगी के चार्ज कैरियर्स की, तो उसे डिनोट करते हैं हम एन डी की। तो अब अगर हम नोटिस करें जैसे जैसे सपोज हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा सॉरी फर्स्ट क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव करेंगे कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड में क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे, एट लास्ट यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जब फिनिश हो जाएंगे बेसिकली क्या होगा यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवलेंट बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे कंडक्शन बैंड में, तो फाइनली हमारे पास जो यहाँ पर क्या होगा होल क्लियर क्रिएट होगा। तो इस केस में अगर मैं नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करूँगा एन, जो कि कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हुए हैं, तो वो कितने होंगे एन डी, जितने यहाँ पर थे वो यहाँ पर चले गए टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और जितने यहाँ पर होल क्रिएट हुए, क्योंकि जितने होल क्रिएट हुए थे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए थे, इलेक्ट्रॉन क्रिएट होके कहाँ गए आपके कंडक्शन बैंड में, तो एन डी प्लस पी। तो ओवरऑल ओवरऑल कंसेंट्रेशन ऑफ इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू एन डी प्लस पी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हुआ कि जैसे हम थोड़ा और इलेबोरेट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपके स्टार्टिंग में क्या हो रहे थे कोवलेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर क्या है इस लेवल पे एक्सेप्टर्स अवेलेबल है, तो
तो एक्सेप्टर्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कहाँ जाएगा, एक्सेप्टर लेवल पर, यहाँ रिकम्बाइन होकर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक मिक्स कर लेगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। तो एट लास्ट क्या होगा कि यहाँ पर ये जो सारी वैकेंसीज हैं ये कंप्लीट फिल हो जाएंगी। तो जैसी वैकेंसीज कंप्लीट फिल हो जाएंगी तो आपके पास एक्सेप्टर, जो एक्सेप्टर कंसंट्रेशन है वो उसे डिनोट करते हैं हम एन से। एक तो आपके पास नंबर ऑफ होल्स, अगर मैं नंबर ऑफ क्रिएटेड होल्स इक्वल करूंगा तो नंबर ऑफ होल क्रिएटेड होल्स किसके इक्वल होंगे, एन ए, क्योंकि एन ए को कंप्लीट करने में आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन गया वो यहाँ पर होल्स क्रिएट करके गया है। प्लस अगर जितने यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं प्लस एन, क्योंकि एट लास्ट जब यहाँ की वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काम हो करेंगे कंडक्शन बैंड में। तो जितने यहाँ पर एन अवेलेबल होंगे प्लस एन, उतने ही होल्स यहाँ क्रिएट और होंगे। तो नंबर ऑफ पी इक्वल टू NA+N, ये जनरली हम फॉर्मूला बहुत यूज़ करते हैं, ये आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा और इलेबोरेट किया है यहाँ पर। ये मैंने आपको डिटेल में इसके एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ऐसे फॉर्मूला क्यों आया है ऐसे। ठीक है, अब लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का फॉर्मूला क्या है, ND। ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपको रिमाइंड ऑलवेज रिमाइंड करना पड़ेगा कि ND+P इक्वल टू NA+N। सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि आपके पास डोनर एनर्जी लेवल नहीं है, डोनर नहीं है, तो डोनर नहीं होगा तो क्या होगा कि ND नहीं होगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, P इक्वल टू NA+N और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर सपोज आपके पास एक्सेप्टर एनर्जी लेवल नहीं है तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक सेकेंड पहले रफ कर लेते हैं। अगर सपोज आपके पास एक्सेप्टर एनर्जी लेवल नहीं है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल नहीं है तो एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, N=ND+P। तो ये फाइनली ओवरऑल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपको यहीं से पॉइंट आया कि हमने जो एक्सप्लेन किया ऊपर डिटेल में। तो क्लियर है आज का सेशन कंप्लीट, अभी सब माइक को अनम्यूट कीजिए, सभी लोग माइक को अनम्यूट कीजिए, मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा रहा हूँ, है ना। किसी को डाउट है किसी भी पॉइंट पर, किसी को डाउट है कोई भी पॉइंट, क्लियर है सबको, यस नो बोलो कुछ, यस सर, क्लियर है सारी चीज। यस सर, ठीक है, तो हम ये डिटेल में हमने क्या है अभी सारी चीजें पढ़ी हैं इसको, ये अभी अच्छा एक सेकेंड वेट। ये हमने डिटेल में आपके पास ये सब पढ़ लिया है कि कैसे कैसे क्या मतलब ND क्या होता है, NA क्या होता है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ND NA क्या होता है। एक मिनट आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर उसके बाद सेशन क्लोज कर लेते हैं। आरू पूजा प्रेजेंट प्रेजेंट सर, नहीं कोई बात नहीं, अब मैं देख लूँ, देख सकता हूँ। अनुजा, कर्नेल, मुस्कान, मुस्कान ये फर्स्ट क्लास है आपकी, तीन यस सर, आपको मैंने नोट्स शेयर कर लिए हैं और मैंने आज एक्सप्लेन भी किया है नोट्स को, तो आप एक बार देख लेना उन नोट्स को। सनी, एट है आपके पास, विकास, ठीक है, आरू, अनुजा, कर्नेल, मुस्कान, नील, रंजीत, सनी एंड विकास। हमारा सेशन भी क्लोज होने वाला है, ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।